और पहली बार किन चेहरों को मौका मिला है, आइए हम ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं। सबसे पहले उनमें नाम आता है अमित शाह का। सो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं उत्तराखंड से बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी नए चेहरे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पहली बार कैबिनेट में जगह इनको मिली है। अर्जुन मुंडा की अगर बात करें तो ये भी काफी दमदार शख्सियत माने जाते हैं, अचूक निशाना इनका है ऐसा माना जाता है। एस जयशंकर की बात करें तो इनके नाम ने भी चौंकाया है। एस जयशंकर के लिए कहा जा रहा है कि उनको विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं प्रहलाद जोशी की बात करें तो वो भी पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इनके अलावा बात करें अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना के कोटे से आते हैं, उन्हें भी पहली बार जगह मिली है। अनंत गीते की जगह इनको जो कहा गया है कि मौका मिला है। जी किशन रेड्डी राज्य मंत्री, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जिन चेहरों को पहली बार मौका मिला है। उसमें संजय धोत्रे की बात करें तो उन्हें भी पहली बार मौका मिला है, और अनुराग ठाकुर को भी पहली बार। सुरेश अंगड़ी की बात करें, ये चेहरे भी वो हैं जो पहली बार इन्हें मौका मिल रहा है। वहीं नित्यानंद राय राज्य मंत्री के तौर पर, रतन लाल कटारिया राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। वहीं वी मुरलीधरन की बात करें तो ये भी राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। और महिला मंत्रियों की जो हम बात कर रहे हैं, छह में से एक रेणुका सिंह सरूता,